फ्रेंड्स, दिस इज आंचल और मैं आपका स्वागत करती हूँ अड्डा 247 पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूट वर्ड्स। तो हमें जैसे पता है कि रूट वर्ड्स कुछ एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्जामिनेशन के मेजर पार्ट में हेल्प करेगा। मेजर पार्ट क्या होता है? वोकैबुलरी। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि वोकैबुलरी मेजर पार्ट है? क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाए, अगर आपको एक सेंटेंस में सपोज करो सिर्फ एक ही वर्ड मिले, ठीक है, या दो वर्ड्स मिले, अब उन दो वर्ड्स की मीनिंग अगर आपको नहीं पता है, क्या आप उस सेंटेंस की मीनिंग समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। ये आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और यही चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी, रूट वर्ड्स ही हैं जो आपको हेल्प करेंगे उसकी मीनिंग को याद करने में। कैसे? जब हमने कहा कि आपके पास एक आर्टिकल गिवन है, भले आप उस आर्टिकल को लर्न करो, पढ़ो, तो हो सकता है आपको 4 से 5 शब्द उसमें से मिल जाएं, लेकिन उस समय में आप सिर्फ उन 4 से 5 शब्दों को ही लर्न कर रहे हो। अब हम बात करें रूट वर्ड्स की, अगर तो हमने अगर आपको एक रूट वर्ड दिया तो इसी रूट वर्ड की हेल्प से आप कई सारे वोकैबुलरीज बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमने अगर आपको दिया एम्बल या हमने आपको दिया एम्ब्यूल, तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब होता है वॉक या मूव। अब आप इसे वर्ड बनाने जाओगे, आप बना सकते हो सोमनाम्बुलिस्ट, आप बना सकते हो एम्बुलेंट, आप बना सकते हो एम्बुलेंस, आप बना सकते हो एम्बल। तो आपने एक ही वर्ड से कई सारे वर्ड बना लिए। सिमिलरली, अगर हम छोटा सा एग्जांपल दें, बाय, बाय मतलब टू, टू होता है टू इन नंबर, राइट? तो हमने बोला बाय लिंगुअल, बाय लैटरल, बाय साइकिल। सो जहां पर भी बाय लग जाएगा, अब ये टू का ही रिलेशन लेके आएगा। तो इट्स बेटर कि आप 4 अलग अलग शब्द लर्न करने से के बजाय क्या करें, एक रूट वर्ड को लर्न करें, जिससे आप बहुत सारे वर्ड्स उसके जैसे बना सकते हो, राइट? सिमिलरली, एक चीज और आती है, अब इसको आप प्रीफिक्स और सफिक्स से कंफ्यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रीफिक्स और सफिक्स में, प्रीफिक्स पता है हमें किसी वर्ड के पहले ही लगेगा, सफिक्स पता है हमें किसी वर्ड के लास्ट में ही लगेगा, लेकिन रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो पहले भी लग सकता है, बाद में भी लग सकता है, और शब्द के बीच में भी आ सकता है, है ना? तो इसको प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड्स को मिक्स नहीं करेंगे। हालांकि आप इसकी मीनिंग प्रीफिक्स से कनेक्ट करके भी निकाल सकते हो, राइट? तो जैसे कि हमने कहा, ये आपको एग्जामिनेशन में, हर एक एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं इन्हीं रूट वर्ड्स को और लर्न करते हैं कुछ रूट वर्ड्स। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये रहेगी, हम यहाँ पर आपको अगर एक रूट वर्ड से 5 वर्ड्स पढ़ाते हैं, तो आप ट्राई करिएगा कि आप जितने ज़्यादा वर्ड्स हो सके उतने ज़्यादा वर्ड्स उस एक रूट वर्ड से बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है? चलिए, फॉर एग्जांपल, आज का पहला वर्ड जो है वो है मेमर। ये कैसा शब्द है जिसे वास्तव में, रियालिटी में आप सभी लोग जानते होंगे? मेमर हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, मेमर हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, हमारे रिमेम्बर करने की एबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, याद करने की शक्ति से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वर्ड आया है कोमेमोरेट, कोमेमोरेट, हमने वर्ड लिखा मेमोरियल, हमने वर्ड लिखा मेमोरी, अनमेमोरेबल, मेमोरियलाइज। सो आपके पास जितने भी वर्ड्स यहां पर दिख रहे हैं वो सारे के सारे वर्ड्स मेमर से ही बने हुए हैं। किसी की स्टार्टिंग में मेमर दिया हुआ है तो किसी के बीच में मेमर दिया हुआ है। तो इन वर्ड्स की मीनिंग सूनर और लेटर, इन वर्ड्स की मीनिंग रिलेशन मेंबर से रिमेंबर से ही आएगा। फॉर एग्जांपल, हमने अगर कोमेमोरेट की बात करी, कोमेमोरेट का मतलब होता है टू ऑनर द मेमोरी ऑफ somebody। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो तो एक अवार्ड फंक्शन में यशराज जी के नाम से एक अवार्ड दिया गया था, तो वो उनकी मेमोरी में अवार्ड बनाया गया है ना, तो वो क्या हुआ? टू ऑनर द मेमोरी ऑफ। मेमोरियल, मेमोरियल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू मेमोरी, जो याद किया जा सके। मेमोरी, मेमोरी क्या होता है? एक एबिलिटी जिससे आप कोई चीज़ याद रख सकते हो। अगर आप कोई नई जगह जाते हो, अगर आप किसी नए इंसान से मिलते हो, तो जो भी चीज़, जो भी घटनाएं आपके साथ होती हैं, उन चीज़ों को जो आप याद कर पाते हो, उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी। एन एबिलिटी टू रिटेन समथिंग, याद रखने की शक्ति। अनमेमोरेबल, मेमोरेबल का मतलब क्या हुआ? याद रखना। अनमेमोरेबल का मतलब क्या होगा? नॉट मेमोराइज्ड, ऐसी कोई चीज जिसको आप याद नहीं रखना चाहते या वो याद रखने योग्य नहीं है। फिर मेमोरियलाइज का मतलब क्या होता है? प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ,
किसी चीज की याद को प्रिजर्व करके रखना इज व्हाट वी मीन बाय मेमोराइज। अब यहां मेमोराइज और मेमोरियल इन दोनों ही शब्द की मीनिंग आपको कुछ हद तक सेम ही मिलेगी। मेमोराइज लिखोगे तो भी इसकी मीनिंग सेम ही मिलेगी, ठीक है। एस ई लिख लीजिए या जेड ई लिख लीजिए, दोनों की मीनिंग सेम ही होती है। तो देखो मेमर शब्द जो है ये आपको समझ में आ गया कि मेमर वर्ड यूज किस कॉन्सेप्ट में होगा, रिमेंबर, याद करने के कॉन्सेप्ट से, लर्न करने के कॉन्सेप्ट से आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। तो हमारा पहला रूट वर्ड था मेमर। दूसरा जो हमारा रूट वर्ड है वो है अर्थ, ए आर टी एच आर या ए आर टी एच आर ओ, आर्थर या आर्थरो। देखो ये दोनों ही रिलेटेड हैं हमारी बॉडी के जॉइंट्स से, वैसे तो जॉइंट्स से रिलेटेड हैं और स्पेशली बॉडी के जॉइंट्स से रिलेटेड हैं, जैसे एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, ये सब जो जॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने बोला आर्थरोस्कोप, हमने लिखा आर्थरोलॉजी, हमने यूज किया आर्थराइटिस, हमने लिखा आर्थरोपॉड और हमने लिखा अर्थ्रोडाइनिया, राइट। अब देखो यहां पर अगर हम अर्थ्रोस्कोप की बात करें, माइक्रोस्कोप होता है, स्कोप से आप क्या, माइक्रोस्कोप से क्या करते हो, छोटी से छोटी चीज को आप देख सकते हो, राइट। तो आपके पास स्कोप होता है उसको देखने का। अर्थ्रोस्कोप, स्कोप रिलेटेड है देखने से, अर्थ्रो किससे रिलेटेड, जॉइंट से। सो अर्थ्रोस्कोप का मतलब क्या हुआ, अ टूल टू सी इनसाइड अ जॉइंट, किसी भी जोड़ के अंदर देखने का जो टूल होता है उसको हम आर्थरोस्कोप बोलते हैं। आर्थरो का मतलब आपको पता है, लॉजी का मतलब भी आपको मालूम है, दिस इज रिलेटेड टू स्टडी। तो आर्थरोलॉजी क्या हुई, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पेन इन जॉइंट्स और किस तरह से उसको सही किया जाएगा, कि जॉइंट्स में कहां कहां पर पेन हो सकता है, किस तरह का पेन होगा और उन जॉइंट्स के पेन को ठीक कैसे किया जा सकता है, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं आर्थरोलॉजी। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस क्या होता है, जब आपके बॉडी के जॉइंट्स में क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या हुआ, जब आपके बॉडी के जॉइंट्स में सूजन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस। अर्थ्रोपॉड, सी पॉड इज रिलेटेड टू पैर, पॉड जो जनरली वर्ड है ये पैरों से रिलेटेड होता है, और ऑर्थ्रोपॉड क्या होता है, इन वर्टिब्रेट्स विथ जॉइंटेड लेग्स, जैसे स्पाइडर है, जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके कई सारे पैर होते हैं, उनको हम बोलते हैं अर्थ्रोपॉड्स। अर्थ्रोडाइनिया, देखो डाइनिया इज रिलेटेड टू पेन और अर्थ्रो, डाइना पार एक जेल भी आता है ना, तो डाइना का मतलब होता है पेन, दर्द। अर्थ्रोडाइनिया का मतलब क्या हुआ, इट मींस अ पेन इन द जॉइंट, जॉइंट में जब पेन होता है तो उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है अर्थ्रोडाइनिया। सो अब समझ में आया आपको, अर्थ या आर्थ्रो दोनों की ही मीनिंग किससे रिलेटेड है, जॉइंट से रिलेटेड है, और स्पेशली वो जॉइंट कहाँ के हैं, बॉडी पार्ट्स के जो जॉइंट होते हैं उनकी बात हम ज्यादा करते हैं। अगला वर्ड आपका है बर्स। देखो ये एक ऐसा शब्द है जो आपने अपने स्कूल लाइफ में भी सुना होगा, समझा होगा, ठीक है। जैसे बर्स की अगर हम बात करें तो बर्स वर्ड का मतलब होता है पाउच या पर्स, ठीक है, पाउच या पर्स। इन शॉर्ट ये मनी से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल्स में होते थे बर्सर, हमारे स्कूल में होती थी बर्सरी, और वर्ड्स हैं डिस्पर्स, इम्बर्स, बर्स इज वॉट वी मीन बाय दीज वर्ड्स। देखो तो इससे हम कई सारे शब्दों को फॉर्म कर पा रहे हैं। हमने बोला बर्सर, बर्सर वो इंसान होता है जो पैसे को यूज करता है, स्पेशली पब्लिक फंड से, ठीक है। बर्सर कौन है, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ फंड्स। तो आपके स्कूल में जो फंड्स थे, आपके कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में जो फंड्स थे, उनका जो इंचार्ज होता था उसको हम बर्सर बोलते हैं। बर्सरी क्या होती है, इट्स अ ट्रेजरी, ट्रेजरी ऑफ अ स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन की, स्कूल की, कॉलेज की जो ट्रेजरी है, जहां पर सारा पैसा, फंड्स रखे जाते हैं, उसको हम बर्सरी बोलते हैं। अब बर्स का मतलब हुआ पैसा, पाउच, पर्स, और डिस का मतलब होता है सेपरेट करना, दूर करना। सो डिस्पर्स का मतलब क्या होगा, डिस्पर्स का मतलब होगा टू एक्सपेंड, मतलब खर्च करना, और स्पेशली कहाँ से, स्पेशली
फ्रॉम पब्लिक फंड्स। पब्लिक फंड से पैसा निकाल के खर्च करने को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स करना कहते हैं। अगला वर्ड है इम्बर्स। इम्बर्स का मतलब क्या होता है, टू सप्लाई और स्टॉक विथ मनी। जब आप किसी पाउच में, जब आप किसी रूम में, जब आप किसी बैग में पैसा भरते हो तो इसी को हम बोलते हैं द इम्बर्स। ठीक है, तो पैसे से रिलेटेड है अगेन। अगला वर्ड है बोर्स। बोर्स एक फ्रेंच वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है क्या, अ फ्रेंच स्टॉक एक्सचेंज। तो जब आपको कहना हो कि हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें और वो फ्रांस का है, तो आप क्या बोलोगे, यू कैन ईजली यूज बोर्स। बर्स नहीं पढ़ेंगे इसको, बोर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंच में थोड़ा सा चेंज आ जाता है जब किसी भी शब्द को यूज किया जाता है तो, राइट। बट इन शॉर्ट जहाँ बर्स लिखा होगा वो पब्लिक फंड से, मनी से, या फिर किसी ना किसी तरह से आपके ट्रेजरी से रिलेशन की ही बात करेगा। अगला वर्ड जो आपका है दैट इज सेलर। देखो सेलर जहां जहां आएगा उसकी रिलेशन होगी फास्ट या स्पीड से, ठीक है, स्पीड से या फास्ट से ही उसका रिलेशन होगा। अगर हम सेलरेट की बात करें, सेलर की बात करें, तो हमारे पास वर्ड्स होते हैं एक्सेलरेट, हमारे पास है डिसेलरेट, हमारे पास है सेलेरिटी, वी हैव एक्सेलरेंट, वी हैव सेलरेटिस, राइट। सो एक्सेलरेट, देखो इसमें भी वर्ड कहाँ पर यूज हुआ है, कभी स्टार्टिंग में आ रहा है और कभी बीच में आ रहा है, राइट। सो इनमें वर्ड्स की मीनिंग जो आएगी वो तेज होने से, फास्ट होने से ही रिलेशन रखेगी, ठीक है। कि जैसे हम बात कर लें एक्सेलरेट की, अब जब वर्ड के स्टार्टिंग में एस दिया होता है, ए सी दिया होता है, एस दिया होता है, तो ये बात करता है बढ़ाने की, इंक्रीज करने की। तो एक्सेलरेट, सेलर मतलब क्या है, स्पीड। ए टी ई जिस वर्ड के लास्ट में लग जाता है वो एक वर्ब बन जाता है, तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेट का मतलब क्या होगा, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ। किसी चीज की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम जो यूज करेंगे उसको बोलेंगे एक्सेलरेट। अब देखो जहां पर, यहां पर भी सेलर लिखा है, यहां पर भी एट लिखा है, लेकिन यहां पर क्या है, एस नहीं दिया, यहां पर डी दिया है, डी ई। जब हम डी थ्रोन बोलते हैं तो थ्रोन से हटाने की बात होती है, इसी तरह से जब हम डिसेलरेट बोल रहे हैं तो स्पीड से हटाने की बात होगी। मतलब एक्सेलरेट और डिसेलरेट ये दोनों आपस में एंटोनिम्स हैं, ये दोनों आपस में ऑपोजिट्स का काम करते हैं। तो डिसेलरेट का मतलब क्या होगा, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ, किसी चीज की स्पीड को कम करना। सेलेरिटी, सेलेरिटी वर्ड की मीनिंग क्या होती है, स्विफ्टनेस ऑफ द मूवमेंट। आपने जनरली एथलीट्स को देखा होगा, वो बहुत तेज दौड़ते हैं, तो उनका जो मूवमेंट है वो बहुत स्विफ्ट है, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। दैट इज वॉट वी मीन बाय सेलेरिटी। नेक्स्ट है एक्सेलरेंट। एक्सेलरेंट का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस, प्रोडक्ट या मैन कॉजिंग एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से चीज बढ़ती चली जाए, जिसकी वजह से स्पीड बढ़ती चली जाए, उसी को हम बोलते हैं क्या, एक्सेलरेट। सो यहां पर क्या बनेगा, एक्सेलरेशन, ठीक। तो यहां पर अगला वर्ड है सेलेरेटिस। सेलेरेटिस में भी इंक्रीज तो होगा, लेकिन क्या, इंक्रीजिंग इल बिहेवियर। जब आपके बारे में किसी का नेगेटिव ओपिनियन हो और वो डे बाय डे नेगेटिव बढ़ता चला जाए, तो उसे हम बोलते हैं सेलेरेटिस। ओके, सो यहां पर मतलब समझ में आ गया, जहां पर भी सेलर वर्ड का यूज होगा वो सेलर वर्ड किस चीज की बात करेगा, ये हमेशा स्पीड या फास्ट होने की ही बात करेगा। चलिए इसी के साथ हम अगले वर्ड पर आते हैं। सेलर हमने पढ़ लिया, उसी के साथ मेमर हमने पढ़ लिया, तो कई सारे वर्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखिए अगला वर्ड है क्रोन। क्रोन जो वर्ड है ये समय से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा क्रोनोलॉजिकल वॉच, क्रोनोग्राफ वॉच, ऐसा वॉचेस भी आते हैं, राइट। सो वॉच इज रिलेटेड टू व्हाट, वॉच का रिलेशन टाइम से होता है। सिमिलरली जब हम ये बोल रहे हैं क्रोन का रिलेशन टाइम से है, तो देखो जैसे अगर हमने लिख दिया क्रॉनिक, हमने लिख दिया क्रोनोलॉजिकल, हमने यूज किया सिंक्रोनाइज, हमने यूज किया क्रॉनिकल, हमने यूज किया क्रोनोग्राफ। तो क्रॉनिक शब्द हर वर्ड में आपको क्रोन वर्ड का यूज दिख जाएगा, है ना। क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्गिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम,
ऐसी कोई चीज जो काफी लंबे समय तक चले उसको हम क्रॉनिक बोलते हैं, जनरली डिजीजेस के साथ. फॉर एग्जांपल, ही इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक मलेरिया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो काफी लंबे समय से मलेरिया से जूझ रहा है, सफर कर रहा है. अगला है क्रोनोलॉजिकल. क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? अरेंजिंग पास्ट इवेंट्स अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार. फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए हमने आपको 2010 से 2015 का जंबल्ड फॉर्म में डेटा दे दिया, सब कुछ मिला जुला है. तो आप जिस फॉर्मेशन में ईयर बाय ईयर उसको जो फॉर्म करोगे उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट. सिंक्रोनाइज, देखो क्रोन का मतलब क्या हुआ? टाइम. सिंक का मतलब क्या होता है? सेम. तो सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होगा? हैपनिंग एट द सेम टाइम. तो मतलब जब दो चीजें एक साथ हो रही हो, एक ही समय पे हो रही हो, तो उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज. अगला वर्ड दिया है क्रॉनिकल. क्रॉनिकल का मतलब होता है अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन द पास्ट, या फिर उन्हीं को अरेंज करना इज व्हाट वी मीन बाय क्रॉनिकल. और यही मीनिंग होती है क्रोनोग्राफ की भी. क्रोनोग्राफ की मीनिंग क्या होगी? अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स. पास्ट के इवेंट्स के रिकॉर्ड को हम क्रोनोग्राफ भी बोलते हैं. ठीक है, अब आई सपोज ये आपको समझ में आ गया कि क्रोन की मीनिंग क्या होगी, मेमर की मीनिंग क्या होगी, सेलर की मीनिंग क्या होगी, अर्थ की मीनिंग क्या निकालोगे. तो अब चलते हैं हम अपने लास्ट रूट वर्ड की तरफ, और लास्ट रूट वर्ड है कॉग्न से रिलेटेड. कॉग्न का मतलब होता है नो, जानना, लर्न करना इज व्हाट वी मीन बाय कॉग्न. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने वर्ड यूज किया कॉग्निशन, हमने वर्ड यूज किया रिकॉग्निशन. दोनों की मीनिंग सेम होगी, बस री का मतलब हो जाएगा दोबारा से. ठीक है, हमने लिखा इनकॉग्निटो, हमने यूज किया रिकॉग्नाइज, हमने यूज किया कोनोजर. अच्छा, कोनोजर के साथ हम यहां पर यह भी लगा दें कि कौन, सी ओ एन एन जब लग जाएगा तो भी इसकी मीनिंग यही निकलेगी. और हमने वर्ड यूज किया कॉग्निजेंट. राइट, अब देखो पहला वर्ड लिखा हुआ है कॉग्न या कौन. रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? लर्निंग, अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग अगेन, अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग अगेन. किसी चीज को दोबारा से लर्न करना इज व्हाट वी मीन बाय रिकॉग्निशन. अगला वर्ड है इनकॉग्निटो. इनकॉग्निटो का मतलब क्या हुआ? डिस्गाइज्ड, सो नो वन नोज, छुपा हुआ है इस वजह से ताकि उसके बारे में किसी को पता ना चले. रिकॉग्नाइज का मतलब क्या हुआ? लर्न अगेन, किसी चीज को दोबारा से याद करना या याद करने की कोशिश करना. कोनोजियर, अब देखो कोनोजियर एक एक्सपर्ट होता है, वन हु हैज लर्न, एक एक्सपर्ट होता है जिससे सभी चीजों के बारे में सीखा हुआ है, जिसको हर चीज के बारे में पता है. अब कोनोजियर वाइन का भी हो सकता है, वाइन कोनोजियर, ये फूड का भी हो सकता है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट साइंस का भी हो सकता है. तो कोई भी एक्सपर्ट जिसको हर चीज के बारे में पता हो एक फील्ड से रिलेटेड, उसको हम कोनोजियर बोलते हैं. अगला वर्ड है कॉग्निजेंट. कॉग्निजेंट मतलब एनी बडी हुज अ लर्नर, जैसे आप सेवेंट बोलते हो वैसे ही आप कॉग्निजेंट का भी यूज करते हो. तो ये थे कुछ रूट वर्ड्स जिससे आप हेल्प लेके कई सारे और शब्द बना सकते हो. मैंने आपको हर रूट वर्ड से 5 वर्ड्स बताए, आप इसको 10 बनाने की, 15 बनाने की कोशिश करिए. ज़्यादा से ज़्यादा रूट वर्ड्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी को इम्प्रूव करिए. और कीप वॉचिंग अड्डा 247. थैंक यू सो मच.